दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दैया। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई टेलर वर्क। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज पैंट का बेल्ट किस नसब से काटते हैं बाई वीडियो जानकारी देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये रोल में ले लिया है। अब मैं सबसे पहले कटिंग करने के लिए, यदि आप लंबी नोक वाला बनाना चाहते हो तो फिर 2.5 इंच नोक लगेगी और उसके बाद में 5 से 7 इंच आगे फोल्ड करेंगे। यदि आप लंबी नोक वाला बनाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से उसमें आपको डबल फोल्ड करने के लिए कपड़ा ऐसे ज़्यादा चाहिए, नहीं तो इसमें यदि छोटी नोक वाला बनाओगे तो पास में जो कपड़ा होता है वही काम, जो पीछे बेल्ट में काम आएगा वही पास वाला कपड़ा इसमें काम आ जाएगा। तो मैं छोटी नोक वाला बनाता हूँ और सबसे पहले 2.5 इंच लगाता हूँ, उसके बाद में टुकड़ी इसके पास में जमा देता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले ये पेस्ट चिपकने वाला साइड है और चिपकने वाली साइड को मैं ऐसे सामने लेकर 2.5 इंच बराबर मैंने आगे नोक रखूँगा मैं 2.5 इंच, तो 2.5 इंच ले लिया। 2.5 इंच लेने के बाद में दोस्तों बंदे की कमर कितनी है उसका 1/50 लूँगा मैं बराबर आधा, तो बंदे की कमर 29 इंच है तो मैं 14.5 इंच लूँगा बराबर। ये परफेक्ट मैंने 14.5 इंच पे ले लिया। 14.5 इंच लेने के बाद में दोस्तों मैं इसमें यहाँ भी मैं टुक लगा दूंगा। टुक लगाने के बाद में दोस्तों अब 2.5 इंच में पीछे मार्जिन के लिए रखूँगा और इसको वापस ऐसे फोल्ड कर दूंगा। अब बराबर इसी जगह से मैं यहाँ टुक लगा लूंगा। अब 1.5 से 2 इंच हम जो पीछे वाली नाकी लगेगी उसके लिए टुक लगा सकते हैं, 1.5 से 2 इंच, 1.5-2 इंच लगभग। ये पीछे नाकिया जो लगेगी बेल्ट लगाने के लिए उसमें, ये उस जगह के लिए। और फिर बस आगे वाला जो बराबर हमने यहाँ देख लिया और लगा लिया टुक लगाने के बाद, अब 1.5 से 2 इंच आगे जो हम चैन जो लगेगी उससे आगे जाएगा फिलाई के ऊपर वो हम रखेंगे। तो 1.5 से 2 इंच, 1.5-2 इंच लगभग, जितनी हम आगे लंबी रीदी आप नोक रखते हो तो फिर लगभग 2.5-3 इंच भी आगे जा सकता है, नहीं तो नॉर्मली यदि नोक बनाते हो तो आपको 1.5 से 2 इंच ही रखना है। अब ये दोस्तों मैंने रख दिया और उसके बाद में अब जो सेंटर की दो नाकी लगेगी टोटल इसमें ये कम है तो 3 नाकी लगेगी, 3 डबल 6, और नहीं तो यदि 32 से कमर ऊपर हो तो आपको 4 नाकी लगानी होती है और उसमें लगेगी टुक 8, 4 का डबल 8, नहीं तो 3 2 6, 3 का डबल 6 और 1 2 3, एक पहले लगा लिया अब दो ये लग गए, 3 हो गई यहाँ पे लगेगी नाकी। अब यहाँ से हम इसको काट के ये दोनों, यदि आप एक एक काटोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दोनों एक साइड के कर सकते हैं, नहीं तो एक काट लिया उसके जस्ट पीछे दूसरा काटोगे तो ये आमने सामने बिल्कुल, ये बिल्कुल आमने सामने हो गए, आमने सामने कट गया। अब मैं जो साइड टुकड़ी जमाऊंगा आगे वाली नोक के लिए उसके लिए मैं 5-6 इंच का टुकड़ा कर लेता हूँ, ये 5.5 इंच का लगभग मैं इसमें से कटिंग कर देता है, यह जमेगा पास में। तो दोस्तों यदि आप पेंट का खर्चा जमाना चाहते हो तो वो भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, और यदि आपको सिलाई से संबंधित, सिलाई मशीन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर दें ताकि जो मेरा आने वाला नया नया वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले मेरे आने वाला वीडियो आप देख पाओ। इसी के साथ दोस्तों मेरा वीडियो संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत।